प्रगति सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से पालनगर और बुद्ध विहार सेक्टर 4 में प्रगति सेवा समिति के ब्रांड अम्बेसडर बाल प्रकृति प्रेमी गुंजिता पाल और मुरादाबाद के ऑक्सीजन बॉय बाल प्रकृति प्रेमी यवन पाल के नेतृत्व में बच्चों ने एक संदेशात्मक प्रेरणादायक जागरूकता रैली का आयोजन किया। पर्यावरण चौक पर बच्चों की रैली को शिक्षक गजराज सिंह द्वारा सराहना करते हुए कहा गया कि आप समाज को संदेश दे रहे हैं, जबकि ये कार्य संपूर्ण समाज का है। बच्चों ने अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जागरूकता स्लोगन लिए हुए थे। बच्चों द्वारा साइकिल चलाकर संदेश दिया गया और साइकिल का भी प्रयोग किया गया। समिति की अध्यक्ष रविता पाल द्वारा कहा गया कि पौधारोपण में बच्चों की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य पौधों के प्रति हमारे जीवन में पेड़ पौधों का अमूल्य महत्व है। हमारी दैनिक क्रियाकलापों की पूर्ति पेड़ पौधों से हो जाती है। वृक्ष जीवन का आधार है और हमारे जीवन का सार, क्योंकि वन ही धन है और जीवन का अस्तित्व बनाए रखते हैं। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ब्रांड अम्बेसडर नगर निगम मुरादाबाद ने कहा कि हरे पेड़ पौधे प्रकृति में प्राकृतिक ऑक्सीजन की फैक्ट्री हैं। इन्हें हम अपने आस्था और राशि ग्रह नक्षत्र आदि के अनुसार रोपित कर सकते हैं। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। अध्यक्षता पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने की। उन्होंने कहा कि परिवार से ही प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बातें शुरू करनी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी किताबों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी बातों को समझे और उन्हें बचाए। इस अवसर पर तनु राय, पीयूष ओम, अंकुश देव, मानव, हर्षित पाल, भोला आदि और प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की अध्यक्षा पर्यावरण प्रेमी रविता पाल, संस्थापक महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, ब्रांड अम्बेसडर बाल प्रकृति प्रेमी गुंजिता पाल, सदस्य बाल ऑक्सीजन बॉय प्रकृति प्रेमी यवल पाल आदि मौजूद रहे। आज वन महोत्सव के छठवें दिन प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की ब्रांड अम्बेसडर गुंजिता पाल और ऑक्सीजन बॉय यवन पाल के नेतृत्व में बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो पालनगर बुद्धि विहार सेक्टर 4 से होती हुई पूरे बुद्धि विहार में घूमी और लोगों को संदेश दिया। हाथों में उनके तख्ती और एक बोतल में प्लास्टिक भरी हुई थी, जिसे नाम दिया गया प्लास्टिक का जिन बोतल के अंदर। तो ऐसे करके रैली का आयोजन किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण है हम सबकी जिम्मेदारी, आओ निभाएं हम सब अपनी अपनी भागीदारी।